अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी सुबह में ये सारे मैंगोज़ वगैरह आके थे और कोकोनट वाटर, और मैं अभी जा रही हूँ इन सबको रखने। और यहाँ पे बहुत सारे वाटरमेलन रखे हुए हैं बिकॉज़ मेरे घर में जो गाय है खस्सी वो लोग खाते हैं और हम लोग भी खाते हैं, सब लोग खाते हैं। एंड देन अभी मैं किचन की तरफ जा रही हूँ और मैंगो वॉश करने के बाद मैं उसको फ्रिज में रख दूँगी और आज का दिन कैसा रहता है आपके साथ शेयर करती हूँ। सो गाइस स्टे ट्यून्ड। और ये मेरा रूम देखें कि क्या ही हाल हुआ है। सुबह से मैं काम में लगी हुई हूँ और अभी ये लगभग 10 बज रहे होंगे और अभी इसको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं और फिर मिलते हैं। गाइस, मेरे घर के लोग अकेले अकेले आइसक्रीम खा रहे थे मुझे नहीं बता के, और मैं जब सडन देखी नहीं, मुझे सब बता के खा रहे थे और वो लोग दे रहे थे। मैं डाइट 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 करके नहीं ले रही थी, लेकिन अभी मैं एक चम्मच से खा लेती हूँ बिकॉज मेरी मम्मा ने बहुत फोर्स किया कि सब खाओगे, तुम नहीं खाओगी तो ये खाना बर्बाद हो जाएगा। मेरी मम्मा ऐसे ब्लैकमेल करती है ना, मज़ा आता है। अभी इस घर में डाइट करना पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए मैं खाती हूँ और एक्सरसाइज करती हूँ और गर्म पानी पी के अपने फैट को गलाती हूँ, यही मेरा काम। आहा गाइस, बहुत ऑसम टेस्ट है, ऑसम। ये देख लेंगे कौन सा फ्लेवर है, ये कितने का है, ये बकेट बकेट टाइप का ही है। इसका प्राइस कहाँ लिखा है मुझे दिख नहीं रहा है, 700 ml आप देख चुके होंगे, लेकिन बहुत टेस्टी बहुत टेस्टी बहुत टेस्टी। सो अब मैं जा रही हूँ वापस कर देने, एक चम्मच इनफ था, फैट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। देखिए इसमें फैट वैसे है कितना, बाप रे, सैचुरेटेड फैट 3.1%, ओ माई गॉड, ट्रांस फैट, ये फैट, वो फैट, कोलेस्ट्रॉल, ये सब है सब है सब है। गाइस दूर रहें इन सब चीज़ों से, जिनको डाइट करना है वैसे खाने की चीज़ें आप खा सकते हैं। सो गाइस, नाउडेज मेरा शाम का स्नैक्स में यही आ गया है, फ्रूट्स, और फ्रूट में भी मैंगो, माय गॉड, सीजनल एंड मतलब फ्रूट में सबसे फेवरेट मैंगो, मैक्सिमम लोग फेवरेट में आता है। और ये एक पार्सल मिंत्रा से आया हुआ है, आज ही आया है और अभी इसको खा लेते हैं। अभी मेरी असर की नमाज़ हो गई है और मैं जब थोड़ा इस टाइम पे थोड़ा मुझे भूख लगता है ऐसा टाइप का मेरा एक आदत सा हो गया है। सो अभी खा लेते, फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती और ना ही मैं बाहर का कुछ खाती हूँ, या अभी नहीं भी रहने से सिर्फ पानी भी ज़्यादा पी लेने से हो जाता है, बट जब है तो उसको इन्जॉय ज़रूर किया जाए। और सीजनल फ्रूट और मैंगो, इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है यार। सो गाइज, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। गाइज, मैं गई थी घर से कुछ देर के लिए बाहर और ये घर की सूरत हाल आप देख ले, ये बिल्ली है और ये लड़की मजा वाली, और ये लड़का भी आया है आज। अस्सलाम वालेकुम शहरयार, बोल दो वालेकुम अस्सलाम। ओह 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 यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं घर पर रहती हूँ या चिड़िया खाना में, मेरे रूम में आके ये लोग कब्जा कर लिए। यार मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी काम से, देखो पूरा रूम पे दम आके कब्जा किया हुआ है, यहाँ पे आराम से दम, माँ है जो बेहोश सोई पड़ी है। गाइस रात के 1 बज रहे हैं, इतनी गर्मी है, नींद नहीं आ रही है, पंखा तो सब मर चुका है। सुबह क्लास जाना है, सुबह कैसे उठेंगे कैसे जाएंगे अल्लाह बेहतर जाने, जाएंगे तो ज़रूर, क्या करें, कैमरा ही से बात कर सकते हैं, आई हैव नो अदर ऑप्शन। सरमीन भी बेताब है, वो सोई नहीं है, लेकिन हम दोनों ही बेताब है, इतनी ज़्यादा गर्मी है और सरमीन को तो माइग्रेन भी हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। ओफ अल्लाह रहम फरमा, पंखा तो लग रहा है, मतलब क्या ही बोले, सीएससी वालों ने आज वोल्टेज देना बंद कर दिया, क्या बसता है यार, छी अस्तग़फ़िरुल्लाह यार, ऐसी गर्मी ना दे यार, रात को सुकून की नींद तो दे दे, लिटरली मैं बहुत परेशान। इसलिए इस पर चढ़ना ज़रूरी नहीं समझी बिकॉज मुझे मेरी ज़िंदगी बहुत अजीत है।
उसके बाद ट्रेन था और बहुत ज़्यादा शदीद वाली गर्मी थी उस दिन। सो मैं सोची कि थोड़ा जो सियालदह के स्टेशन के ऊपर मॉल वगैरह है उसमें जाके एक बार घूम के आते हैं और थोड़ा एसी का हवा, मेरी एक फ्रेंड है उसको भी खाना था और मुझे भी खाना था, बस वैसे ही निकल पड़े हम लोग। गाइस इतनी गर्मी है कि बर्दाश्त के बाहर, मीन्स कैमरा में तो सही से समझ में भी नहीं आ रहा, बट सब लोग भी फील कर रहे हैं कि कितनी गर्मी है। बैग में इधर देखो बिंदी है, देखो कहाँ है बिंदी, इसमें है, इसमें है। किसमें से लगाए थे दुआ अभी? बिंदी कहाँ है? देखे इधर, ए खुशी, ए खुशी कुमारी, ओए दुआ, ओहो दो खोल दे, दो। सो गाइज इतनी गर्मी थी कि मेरी क्लास से आके हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी, मैंने कुछ भी सूट नहीं किया। और ये है शाम का चाय जो कि मस्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम, टाटा बाय बाय, टेक केयर।